बड़ी खबर कुशीनगर से मिल रही है। स्वामी प्रसाद के काफिले पर हमले का मामला है। हमले के वक्त का लाइव वीडियो सामने आ गया है। बड़ी जानकारी, वीडियो में गाड़ियों में तोड़फोड़ होती दिखाई दे रही है। सपा भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में पथराव, दोनों पार्टियों का एक दूसरे की गाड़ियों पर हमले का आरोप है और उसी का लाइव जो वीडियो है वो हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए कुशीनगर हमले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। अब तमाम आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को साबित करती ये वीडियो फुटेज आपके सामने है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये हमला देखिए, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए, ये देखिए, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देखिए, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की, ये गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है, ये गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है। हम लोग साइड में गाड़ी खड़ा कर दिए थे, साइड में गाड़ी खड़ा कर दिए थे हम लोग। ये खेतों में गाड़ियां जा रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ईटा पत्थर चल रहा है, ये देखिए। ये हमले का वीडियो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस हमले के बाद से कई सवाल भी दागे जा रहे हैं, कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस हमले में कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कई लोग चोटिल हैं, घायल हैं और भाजपा पर ही साफ तौर से उन्होंने आरोप लगाया था। ये वीडियो संभवतः जो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है उसी ने अपने फोन में कैद किया है। उसके बाद ये वीडियो अब सामने आ गया। इसमें लोग बोलते हुए भी, कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि हमला हो रहा है। गाड़ी वहां पर सामने डीरल होती हुई गिरती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर भी सपा के कार्यकर्ता आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुशीनगर हमले का ये लाइव वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। सपा भाजपा समर्थकों में कल भिड़ंत हुई थी, उसके बाद कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। ये कहा गया भाजपा की तरफ से कि जानबूझकर के सहानुभूति के लिए ये आरोप लगाया जा रहा है हमले का, लेकिन अब वीडियो सामने है, तस्वीरें सामने हैं और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। बार बार हम यही कह रहे हैं, जो फुटेज है वो सामने आ चुका है।